पापा से बात होता है? नहीं, नहीं। कब से बात नहीं हो रही है? बहुत दिन से। बात करने का मन करता है? कभी किए हो, कभी नहीं किए हो? नहीं। मतलब पहले तो रहते होंगे ना साथ में, तो तभी तो करते होंगे। क्या, कैसे थे पापा? अच्छे थे। अभी क्या हो गया पापा को? कभी नहीं रही है वो पापा को देख ही नहीं। हाँ, अच्छा। चाचा सबका नाम बताओ तुम अपना। श्री धर्मदेव यादव। कहाँ रहते? कहाँ उनका घर? उनका घर भतानी में है, लेकिन वो रहते मुंबई में है। क्या करते हैं मुंबई में? मुंबई में उनका खुद का वो एसी का ठेका चलाते हैं। और नज़दीकी थाना कौन सा है? उरवा थाना। उरवा थाना जी। अच्छा, आपका नाम क्या है बाबा? यशवी। यशवी, पापा से बात होता है? नहीं, नहीं। कब से बात नहीं हो रही है? बहुत दिन से। बात करने का मन करता है? कभी किए हो, कभी नहीं किए हो? नहीं। मतलब पहले तो रहते होंगे ना साथ में, तो तभी तो करते होंगे। क्या, कैसे थे पापा? अच्छे थे। अभी क्या हो गया पापा को? कभी नहीं रही है वो पापा को देख ही नहीं। हाँ, अच्छा। चाचा सबका नाम बताओ तुम अपना। श्री धर्मदेव यादव। कहाँ रहते? दहेज भी दिया हूँ। हाँ, दहेज 10 लाख दहेज दिया गया था, और एक गाड़ी दी गई थी। कौन सा? वो दोपहिया गाड़ी थी, क्या बोलते हैं उसको, राजदूत। उसके बाद वहाँ से आप खाली करके आए तो सारा सामान लेके आ गए? नहीं, हम कुछ नहीं ले, हम रात में ही चले आए ना। रात में हमको मारने पीटने लगे, तो हम रात में ही फ़ोन किए और ऐसे ऑटोमेटिक चले आए। हमको क्या पता था हम फिर आएंगे नहीं। वो तो आपका घर है, आप तो जा सकते हैं जब चाहें। तो हम जाने के प्रयास करते थे, तो दरवाजे पे जाते थे, तो कभी गेट बंद था, तो कभी कुछ होता था, तो हम जा भी नहीं पाते थे। 2-3 बार बस ऐसे गए, तो आदमी कितने बार अपना बेइज्जती सहने चाहिए। जहाँ तक जमीन का बात आ रहा है, तो जमीन आपके पति के नाम से है या ससुर जी के नाम पे भी है? पति के नाम से गोदनामा जमीन था। अच्छा। और उसके बाद ससुर के नाम था, तो ससुर ने आधा आधा करके दोनों बेटों को कर दिया, और ये जो दूसरी औरत लाए हैं फिर उसके नाम कर दिए हैं। ससुर दोनों बेटे के नाम पे कर दिए? हाँ। ये जो आपके पति हैं वो दूसरी पत्नी के नाम पे कर दिए? हाँ। कंफर्म है ये चीज़? हाँ, कंफर्म है एकदम। हम वो इसमें दिखा सकते हैं, निकला हुआ खतौनी में। तो आप केस काहे नहीं किए, जमीन पे रोक काहे लगवाए? अभी नहीं किया, हमें अभी पता चला है, मतलब 2 महीना हुआ है हमको पता चले हुए। हाँ। अब केस कीजिएगा? हाँ, करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। वहाँ जो सामान है वो सामान लाना? हाँ, वो सामान हमारा पूरा जेवर वहीं पे है, और मेरा एसी है, मतलब जो भाई विदाई में दिया जाता है वो सारा सामान है। टीवी है, और पंखा है, कूलर है, सोफा है। वो घर जो है सो वो उनका नहीं है, उनकी बड़ी बहू और उनका बेटा का है। उसी घर में, मतलब होता है ना कि वो क्या होता है मौनी में करके लोग उतारते हैं, उसी घर में मैं गई थी। ऐसा नहीं मैं दूसरे घर में गई थी, उसी घर में गई हूँ। यानी कहीं ना कहीं आपके ससुर भी गलत चीज़ों को सपोर्ट कर रहे हैं। जी, वो घर ससुर के नाम पे है ना? हाँ, वो ससुरी के जमीन पे है। हाँ, तब तो दोनों का। और वहाँ के मुखिया सरपंच जी से जब मिलेंगे ना, तो पता भी चल जाएगा कि उस घर की सच्चाई क्या है। कहीं ना कहीं ससुर भी गलत चीजों को सपोर्ट कर रहे हैं। आपकी बहू यहाँ पे आई हुई है, आप अपनी बहू को मतलब अपने संपत्ति में कुछ अधिकार दीजिएगा, क्योंकि आपको एक पोती है। सर है कि अब आ जाए लड़का से हम पूछ ले, राइट अनुसार। अच्छा, यदि आपका दोनों बेटा तैयार हो जाते हैं तो आप इस विचार इस विषय में आप सोचेंगे, है ना? यही ना बोलना चाह रहे हैं। अच्छा, एक चीज और है, आपकी बहू आपके घर पे रहना चाहती है, आप इसको अभी रहने देंगे पोती और बहू को? रहती ना यार, रहती ना यार, हम कैसी कहेगी घर में रह, मतलब अभी रहना चाह रही है तो रहने देंगे? हम नहीं मान सकें, विश्वास नहीं है कि रहेंगे। आपको विश्वास ही नहीं है ना? तो रखिएगा, तब ना विश्वास पता चलेगा कि रहेगी कि नहीं। कि 14 साल पंचायत बतौरत बतौरत कर में कहती आज भी आज के बाद सुनाई भी चल दे जाता है, तो करे बात कहानी भी ना है एकदम आई बन आई। अच्छा, वो घर आपका है ना? हाँ, उस घर पर इसका अधिकार है ना, घर का भी बंटवारा कर दिए हैं। घर अभी आप ही के नाम से है ना? नहीं, हमारे नाम से नहीं, घर जमीन खरीदा है, जमीन खरीदा।
तो घर किसके नाम से है? घर वही लोग खरीदे हमारे नाम से खरीदे। अच्छा, मतलब आप धरती पर बिना घर के पैदा लिए थे? घर पैदा नहीं है तो लोग अपन खरीदे खरीद लेना खरीद लेना। नहीं नहीं, आपका भी तो कोई पैथिक घर होगा, आपका घर भी तो होगा। यहाँ बात परिवार बात रहेगा। अच्छा, आपके पास मतलब पैथी के घर नहीं है? नहीं, घर नहीं है हमारे कटरान कहो रह जानी कहो बैठ जानी की बात थोड़े खंडी है वो हम बैठी नहीं उठी नहीं बार नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं आप चलिए जांच करिएगा तब ना पता चलेगा कि आप वो घर में रहते हैं कि वन में रहते हैं। जांच करेंगे तभी ना पता चलेगा कि वो घर में रहते हैं कि कहाँ पे रहते हैं। आप रह लेंगी? क्यों नहीं, आपको ये बोल रहे हैं कि खाने पीने के लिए आपकी गोतनी नहीं देगी तो आप कैसे रहेंगे? तो हस्बैंड से लेके रहेंगे ना? हस्बैंड के लिए तो हस्बैंड तो आपका मुंबई में है। तो मुंबई में है तो हम इसीलिए कह रहे हैं ना, जो जमीन जायदाद मिलेगा उसी से खाएंगे जिएंगे रहेंगे। यानी आप जमीन चाहती हैं कि मुझे जीवन यापन के लिए कुछ जमीन चाहिए है ना? बेटा तुम क्या कहना चाहती हो, बाबा के घर में रहना चाहती हो? रहोगी ना? अगर बाबा रखेंगे तो देखिए कितनी क्यूट आपकी पोती है, देख लीजिए बाबा। उसी का भी संधकार में चला गया आपके नालायक बेटा के चलते, समझ गया ना? एक आपका नालायक बेटा, एक मासूम बच्ची का जिंदगी बर्बाद कर दी। लायक है? दूसरा शादी कर लिया बिना तलाक दिए पहली पत्नी को? तब तो समाज में सभी पुरुष ऐसे ही करेंगे, एक पत्नी को रहते हुए दो दो शादी करेंगे, गार्जियन उसको स्वीकार लेंगे। बहुत अच्छे आप समाज को मैसेज दे रहे हैं। क्या आपके जमाने में ऐसा होता था? बोलिए, आपके जमाने में ऐसा होता था कि पहली बीवी को रहते हुए दूसरा शादी कर लो? आप क्यों गलत चीज को आप प्रलोभन दिए, क्यों बढ़ावा दे रहे हैं? नालायक को नालायक बोलिए, समझ गए ना? देखिए नारायणी शक्ति की फाउंडेशन, नारायणी शक्ति फाउंडेशन पटना की टीम, कौन सा ये जगह थाना का नाम है? फुड़वा थाना हम लोग आए थे और थाना में ही सर बुला लिए क्योंकि यहाँ इलेक्शन का अभी माहौल चल रहा है और सर का कहना था कि गांव जाएंगे तो कहीं ना कहीं किसी तरह का कोई विवाद हो जाएगा, तो अभी इनके पास प्रशासन की सुविधा भी कमी है, सभी लोग इलेक्शन में लगे हुए हैं। तो इनके ससुर को थाना में ही बुला लिया गया और ससुर जी का कहना है कि दोनों बेटा से पूछकर एक किसी न किसी मुद्दे पर आएंगे और अपनी पोती को भी अधिकार देने का प्रयास करेंगे। हम जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं बाबा? पूछ कर देंगे ना, आपसे उम्मीद करके जा रहे हैं, पोती के लिए आपको कुछ करना है? अच्छा चलिए ठीक है। और आप अपना संपत्ति को फिर से बंटवारा आप नहीं करना चाहते हैं है ना? ठीक है, कब तक हम लोग आए बाबा, कब तक अपने बेटा को बुला लीजिएगा? बता दीजिए 1 मंथ जो लाए हुए औरत हो उसके नाम पर। बोलिए ना कितने में, कितना दिन लग जाएगा, दिन लगेगा कि महीना लगेगा दोनों बेटा को आने में? एक समय हमको दे दीजिए ताकि हम फिर से आ सके। कब आए तब आपके दोनों बेटा से मेरी मुलाकात? 2 साल में आएंगे। इतने मनमाना तरीका से आप अपनी पोती का भविष्य को रखिएगा? विदेश नहीं, मुंबई में रहता है। एक बड़ा वाला बेटा विदेश में रहता है। ठीक है, आप कॉल कर दीजिए उनको, ठीक है ना? ठीक है, सारे परिवार लोग भी यहाँ परिजन हैं और हम भी देखिए हैं। चलिए ठीक है,